क्या आपको पता है कि बैकस्पेस और डिलीट की का क्या यूज है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कर्सर को इंसर्ट कराया। अगर मैं बैकस्पेस दबाऊंगा तो ये पीछे से टेक्स्ट को डिलीट करेगा, तो ये बैकस्पेस बैक साइड से डिलीट करता है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ, इसके बाद मैं अगर डिलीट बटन प्रेस करूँ तो आगे से यानी फ्रंट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको पता चले गया होगा कि अगर बैकस्पेस पीछे से डिलीट करता है और डिलीट बटन आगे से टेक्स्ट को डिलीट करता है। तो आइए, वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। कंप्यूटर मोबाइल तथा इंटरनेट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।